विद अ न्यू व्लॉग। और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि ये वीडियो दुनिया के सबसे वफादार जानवर कुत्तों के लिए होने वाला है, जिनको हम कुत्ता नहीं बोलेंगे। और चलिए अंदर आपको लेके चलते। पहले तो यार काफ़ी शोर आ रहा है, आपको सुनाई तो दे ही रहा होगा। तो ये देखिए तो भाई, यहाँ से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाता गेट से ही, और उसके बाद अंदर देखिए तो जो एंटायर शो है, जो पूरा अरेंजमेंट है वीरेंद्र शर्मा की तरफ से किया गया है, जो कि IDB का ओनर है। तो चलिए एक एक करके हर स्टॉल को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कितने तरीके के ब्रीड यहाँ पर आई हुई, और सबसे मिलते हैं, सबके डॉग ओनर से मिलते हैं। ये डॉग्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे, वैक्सीनेशन वगैरह के लिए ना। तो भाई यहाँ पे कूलर भी लगे हुए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। तो ये देखिए क्या हाल है इसकी। अभी दिखाता हूँ और भी यार पपीज जो एडॉप्शन के लिए। भाई ये देखिए इधर भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये देखिए कौन सा ही वाला लस्का नस्की। भाई ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड के डॉग्स हैं। ये देखिए चैम्पियन है ये, उसका मेडल भी लग रहा है यहाँ पे। भाई जो इस इवेंट के होस्ट हैं वो हैं वीरेंद्र शर्मा। भाई चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ पे आपको डॉग्स ही डॉग्स नज़र आएंगे। यहाँ से आप अपना पेट फूड भी ले सकते हैं भाई। और ये देखिए इनके लिए मेडिकल, के लिए अगर आप अपने कपड़े लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। भाई यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह भी दिया हुआ है हर चीज़ का। और ये कौन सा डॉक्टर आ गया भाई, डॉक्टर बीला पेट लैब्स, इंसानों के लिए भाई। और ये डॉग्स के लिए आइसक्रीम, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे डॉग की फिटिंग भी कराने के लिए है भाई, गर्मी काफी ज्यादा है। तो भाई भाई यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी लगी हुई है, ये देखिए यहाँ पे। तो भाई आप मेरे पीछे देख रहे हैं फूड स्टॉल्स भी लगी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैगी बन रही है भाई, और ये कुछ मेन्यू कार्ड है यहाँ का। और यहाँ पे बन रहा है डोसा, सेम मेन्यू है। और भाई ये लगा है फूड जोन के, यहाँ से जो आपको दिख रहा होगा फूड जोन। और ये देखिए गोल्डन रिट्रीवर भाई, कितने महीने का है? 35 days। 35 days का ये हाथ लगा सकता हूँ, दे सकता हूँ। ये है गोल्डन रिट्रीवर जो कि 35 दिन का है, 35 डेज का। कितना क्यूट है देखिए, सोच रहा हूँ वो कौन सा है, ये सोच रहा हूँ इसके साथ है, इसके साथ का ही है। ये कौन सी ब्रीड है? सुजो, सुजो ब्रीड। तो दोस्तों ये है सुजो ब्रीड, देखिए तो दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनको कूलर की हवा में बिठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार ये बहुत नाजुक होते हैं और ये तो बच्चा है। तो देखिए कितना क्यूट है।
की आइसक्रीम का मजा लेते हुए। ये गोल्डन रिट्रीवर का बड़ा वर्जन। ये कौन सा ब्रीड है? डोबरमैन। डोबरमैन हाथ लगा सकता हूँ ना। तो भाई ये डोबर मैन है यहाँ पे। ये कौन सा ब्रीड है? इंडी। हाँ इंडी ब्रीड। काटेगा तो नहीं ना हाथ लगाओ। नहीं नहीं काटेगा। एक सेकंड रुको। फीमेल है। डेजी 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 ये गुड है भी आपके। तो भाई ये डेजी है। इसकी एज कितनी है अभी? 1 year। कितनी? 3 years। 3 years की डेजी देखिए कितनी क्यूट है। इसको ट्रॉफी भी मिली है। ओह माय गॉड। मोस्ट आइकॉनिक डॉगी। देखिए भाई हमारे पास विनर है डॉग। एज कितनी होगी इनकी? ये हो गया 14 मंथ्स का या 14 मंथ्स या 1.5 साल का। इसकी इतनी रहती क्या हाइट? और इसकी डाइट क्या रहती है? तो अभी तो इसको गर्मी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ खिला ही रहे होंगे। दूध छाछ रोटी वगैरह और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी इनका डाइट में रहता है ना। वॉक करने का मौका आ गया यहाँ पे। तो प्लीज कल को और वैसे एक बार सफाई कर्मचारी जहाँ पर भी है प्लीज एक बार थोड़ा सफाई का ध्यान रखें। जहाँ भी आपको लग रहा है कि कचरा हो रहा है या फिर जरा से भी गंदगी है प्लीज क्लीन दैट स्पॉट। ये है गोल्डन रिट्रीवर। 180 डेज 6 मंथ का। भाई यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि यार यहाँ पे जो किसी की पूछ पे अगर पांव लग जाएगा तो दिक्कत में आ जाएंगे हम लोग। तो इनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गेम्स भी बनाए गए हैं यहाँ पे जैसे ये टनल दिख रहा होगा आपको। तो भाई ये है साइबेरियन हस्की जो अभी घूर रहा है दूसरे डॉग को लेके। इसका नाम है स्नो। भाई इसकी एज कितनी है? ये 10 months। 10 months का ये। उसको क्या खिलाते हो भाई? ये एग और नॉनवेज टाइप है। शख्सियत है जिन्होंने अभी एक पपी को अडॉप्ट किया है। तो कितने मंथ का है? यार इट्स ऑफ 1 month ओल्ड ओनली एंड इट्स अ क्रॉस ब्रीड ऑफ दिस बीगल एज वेल एज इंडियन। बीगल जैसा लुक आ रहा था इसका वैसे दूर से देखने दूर से देखने में बिल्कुल वैसा आ रहा था डियर। और इन्होंने लगाया हुआ अभी है अडॉप्ट करने के लिए। तो कितने मतलब बचे हैं इनके पास अभी? क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा दिख रही है। पब्लिक तो बहुत ज्यादा है लेकिन आप देखिए कि क्योंकि ये सब पब्लिक के टेस्ट पे डिपेंड करता है कि भाई कौन अडॉप्ट कर पाए कौन अडॉप्ट नहीं कर पाए। इंडियन जो है ये करके कि यार कुछ ब्रीड वैसी हो। हाँ तो मतलब जंगली वाले और फॉरेन ब्रीड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे ये तो यार आपने ये तो मिक्सचर है जी। और इसका जो डॉक्यूमेंट वगैरह सब प्रिपेयर करके दिए इन्होंने? हाँ जी सब प्रिपेयर करके दिया है। अभी तो ये बच्चा है तो अभी इसका वैक्सीनेशन अभी होगा नहीं लेकिन वैक्सीनेशन जो शेड्यूल है वो पूरा का पूरा इसके अंदर इन्होंने दिया है। देखिए ऐसे लोग भी होते हैं हमारे यहाँ। इंडियन ब्रीड को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए आप लोग भी। और ये देखिए हमारे सामने जो है विशाल काफ़ी अच्छी है। ये सर आपकी अमानत। अरे सर 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 अमानत ऊपर वाले की है सर। हमारा कुछ नहीं है। हमारा शरीर भी अपना नहीं है सर। वो भी ऊपर वाले की दिया सर आपका। ये है जर्मन शेफर्ड डबल कोटेड। तो इसकी हाइट और हेल्थ देखिए आप। इसका अनुमान आप इस चीज़ से लगा सकते हो। कुर्सी रखी है जो आदमी वहाँ बैठे हैं जो उनके ऑनर है। और भाई गर्मी काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से पानी का कंजप्शन ज़्यादा ही होता है। दूसरा आपको दिख रहा होगा गर्मी के टाइम में इसको टच कर सकते हैं। अरे गुर्रा रहा है। इसकी एज कितनी है? 3.5 years। तो 3.5 साल का है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं सबसे खूंखार ब्रीड के पास जो कि है पिटबुल। तो भाई ये पिटबुल इसको तो आदमी नहीं लगा सकते। नहीं लगा। भाई ये पिटबुल इसके बारे में बहुत ज़्यादा रूमर बना हुआ है। रूमर से बहुत ज़्यादा
तो भाई ये देखिए क्या है इसकी, थ्री ऑलमोस्ट है, ये है 3 साल का और ये लैब्राडोर राइट। इसकी एज कितनी होगी? 1.521 होगी इसकी है। तो क्या कर दिया भाई, ये अमेरिकन पिटबुल टेरियर, ये लैब्राडोर। तो भाई अभी हो गया, तो भाई अभी अपन चलते हैं चैंपियन डॉग के पास। चैंपियन डॉग बैठ सकता हूँ ना पास में, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये चैंपियन डॉग जिसको बेस्ट पर्सनैलिटी का अवार्ड मिला अभी, इसके अवार्ड आपके सामने दिख रहे होंगे। क्या इधर सर इसकी 10 मंथ्स, तो 10 मंथ्स का है अभी। क्या डेट देते हैं इसको? अभी चिकन देते हैं इसको 200 ग्राम शाम को और सुबह 4 एग देते हैं और रॉयल कैनल देते हैं। तो गर्मी के हिसाब से तो इसकी डाइट बदल जाती है, अब बदलना उसमें से चिकन को थोड़ा अलग करोगे, चिकन और एग में काफ़ी कटौती होगी और फ्रूट्स भी जाएगा। सही है, चलो ये था भाई। ये देखिए ये अडॉप्ट किया इन्होंने अभी और भाई इनको नहला दिया अभी। स्टेफी नाम है। हाँ। अच्छा नामकरण भी हो गया इसका? नहीं तो पहले काफी हो गया हुआ है, एक दो हफ्ते पहले से किया हुआ हमने अडॉप्ट हमारे वीपी का। तो अच्छा यहाँ पे नहीं किया तो? हाँ वही तो, काफी क्यूट है भाई। तिलक वगैरह लगाया या होली के लिए इसके साथ? बिल्कुल नहीं नहीं, ये तो पंडितानी रोजाना थे हमारे रोजाना। तो भाई ये है सेंट बर्नार्ड। क्या एज इसकी? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का सेंट बर्नार्ड। काफ़ी वैसा लग रहा है यार हल्का। हाँ इसका फेस वैसा नहीं है बड़ा। हाँ सेंट बर्नार्ड भी काफ़ी बड़ा होता है, क्यूट है फिर भी। पहले तो कुछ ज़्यादा ही छोटा था। इसको डाइट में क्या दे रहे हैं आप लोग? और जैसे अभी गर्मी चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपने कुछ डाइट में चेंजेस किए होंगे क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। छाछ वगैरह, छाछ वगैरह, छाछ वगैरह कुछ चीज़ भाई, छाछ वाछ पी रहा है, बढ़िया मज़े कर रहा है। चलो लग रही बेस्ट फेस अवार्ड। विनर डॉग बेस्ट फेस अवार्ड मिला इसको। ये देखिए गाइस जर्मन शेफर्ड डबल कोटेड ना, तो टच भी नहीं करने दे रहा भाई, बहुत डेंजरस है ये। क्या नाम है इसका? कैप्टन ये है। क्या डाइट दे रहे हो इसको? डाइट तो सारी है, वैसे घर का खाना खाता मेन तो। अच्छा मेन घर का खाना खाता, बीफ देते हैं। और इसकी एज कितनी है अभी? ये 1.5 साल का है। 1.5 साल का है तो भाई 1.5 साल का जर्मन शेफर्ड डबल कोटेड देखिए, गर्मी की वजह से काफ़ी चिड़चिड़ हो रहा है भाई, तो इसको हाथ भी नहीं लगा सकते अपन। और भाई यहाँ पे हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं? हाँ केसीआई किस चीज़ का, मतलब क्या करते हैं इसमें? केसीआई का रजिस्ट्रेशन सर। केसीआई का इसमें होता क्या, कवर क्या होता है इसमें? इसके बेनिफिट ये है, ऐसे बच्चे का आधार कार्ड बनता है। अच्छा इसका भी आधार कार्ड, यहाँ पे ला दे पानी कहीं भी, ऑल इंडिया पानी लेगा, डॉग शो में पार्टिसिपेट करवा सकते हो,
ओके इसके माइक्रोचिप लग जाती है, बच्चा कहीं खो जाए उसमें बहुत सहायता मिलती है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक तरीके से जीपीएस वाला काम करेगा। जीपीएस वाला, ओके। देखिए भाई लेफ्ट कार्ड और ये चेक करो आगे आशिक उसको हाथ से हमने एडॉप्ट किए। तो भाई यहाँ पे एक और पर्सन हमें मिले जिन्होंने बच्चा एडॉप्ट किया। कितने एज है? 25 डेज का है। भाई ये है फ्रेंच मैस्टिफ, इसका नाम क्या है? मैक्स। मैक्स एज क्या है इसकी? 4 इयर्स। कौन सी ब्रीड है ये? कौन सी रामपुर और ताजी का मिक्स। रामपुर और ताजी का, क्या एज होगी इसकी? फ्रेंडली है ना? बिल्कुल फिर तो टच कर सकते हैं हम। रामपुर और ताजी का भाई ये देखिए, क्या नाम है इसका? कॉपर। डायमंड आता है इसका नाम। क्या एज बताइए इसकी? 8-9 महीने का। ये अभी तो इसकी आईड निकलेगी, अभी तो काफी निकलेगी अभी तो इसकी आईड। फॉर्मेना वाला जर्मन शेफर्ड। ये देखिए भाई रीगल, अकेला किसी ने से यहाँ बांध दिया बेचारे को। देखिए यहाँ पे फैमिली भी लेकर आई है डॉग्स। बाबू इधर ये भी है फ्रेंच मैस्टिफ। वो है कि मैं तो लूंगा नहीं। ये क्या है? ये आपको पागल बना रहा है, इसको भूख लग रही है, ये चाहता है आप खाना खिलाओ इसको। तो द नेक्स्ट टाइटल इज पगला बच्चा। क्या नेम है? तो बताइए अपने पगले बच्चे को। कौन सा ब्रीड है ये? डैशन। डैशन पिटबुल है ना? फिर कैन क्रूज। ये बहुत डिफरेंट दिखा। डिसिप्लिन है तभी पिटबुल होता, तो डिसिप्लिन नहीं होता। नहीं नहीं मैं पिटबुल से भी मिला हूँ ना भी यार। आ जा। और ये ये भी कैन क्रूज है, ये फीमेल है। ओके कौन सी ब्रीड है? गद्दी। गद्दी इजी बस, कुछ नहीं। कितनी एज होगी इसकी? एज 3। आज बर्थडे इसका। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे यार। भाई आज ये इसका बर्थडे है। वो भाई तो गुस्से में पहले तो भाई इनके अलग। अच्छा, कोई अवार्ड बनता है मतलब इतना, मतलब जानकारी बहुत है। कौन सा अवार्ड मिला इसको? बेस्ट टीसर अवार्ड। बेस्ट सर, इमरान हाशमी अवार्ड। और अब ये मेरे पास एक अवार्ड है, इसको मैं नुकसान कर रहा है। मुझे लगता है मैंने अपना डीजल बना लिया है। ठीक है, बाकी सब की तरह से तो दोस्तों ये है डॉग फेस्ट और इसके ऑर्गेनाइजर हैं मिस्टर वीरेंद्र शर्मा, जो कि आईडीबी के ऑनर भी हैं। और यार काफ़ी ज़्यादा शोर है जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही होगी, तो मैं कम से कम बोलूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा।
अगले कुछ मिनटों में हम शुरू करें। और हाँ दोस्तों, इसकी लोकेशन मैं बता दूं आपको कि ये राजा पार्क दशहरा मैदान के अंदर हो रहा है और इसका जो टाइमिंग है वो है 2 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। कैमरा लेके जाएंगे, इसकी जरूरत। तो भाई मेरे सिस्टर और मेरे जीजू यहाँ पर आए थे घूमने के लिए, तो हमने उनको पकड़ लिया यहाँ पे। तो भाई जैसे जैसे शाम ढल रही है यहाँ पे लोगों का हजूम ज़्यादा बढ़ रहा है और बढ़ चढ़ के लोग बाग आ रहे हैं यहाँ पे। तो आपको मेरे पीछे दिख रही होगी कितनी गैदरिंग है, तो देखिए कितनी गैदरिंग है मेरे पीछे। तो ये देखिए लोगों की भीड़ यहाँ दूर तक। पोस्ट ऑफिस वाली गली में रहते हो क्या? कौन सी ब्रीड है? चाउ चाउ। चाउ 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 चाउ। फेस तो दिखा अपना यार। चाउ चाउ दो कलर दिख रहे हैं। कितने लोग ये मानते हैं कि डॉग्स को मारना और उनको दुख देना, पेन देना गलत है? वो अपने हाथ खड़े करेंगे प्लीज। और अगर जिन लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए वो उस चीज को अच्छा मानते हैं? टी शर्ट का कलर मैच हो रहा है इनसे। तो भाई ये है सीआईडी टीम के डॉग्स जो वेल ट्रेंड है। कौन सी ब्रीड होती है? बेल्जियम शेफर्ड। बेल्जियम शेफर्ड बेल्जियम शेफर्ड है। फुल ट्रेंड है। इसकी जगह जर्मन शेफर्ड क्यों नहीं रखते अपन? जर्मन शेफर्ड क्यों नहीं रखते? शेफर्ड इतना नहीं है ना। अच्छा इंटेलिजेंट होता है बेल्जियम शेफर्ड जो होता है। भाई ये सीआईडी की टीम है हमारे राजस्थान की, तो उनके वेल ट्रेंड डॉग्स हैं। तो इनका भी अभी एक रैंप वॉक होने वाला है थोड़ी देर में, और ये काफ़ी ट्रेंड होते हैं जो जर्मन शेफर्ड से भी ज़्यादा समझदार होते हैं। तो भाई इस डॉग शो में काफ़ी सारी ब्रीड आई हुई थी और काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था, जिस वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन जरूर किया था। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ही डॉग्स के बारे में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यार थाउजेंड्स ऑफ वेराइटी डॉग की आ रही है यहाँ पे, तो एक एक को दिखाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो अभी चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शोर है यहाँ पे, जिसकी वजह से मैंने कम बोला है और ज़्यादा दिखाने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और स्पेशली अपने पेट का भी ख्याल रखिए। बाय।